हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं दोपहर से ही शुरू कर रही हूँ। तो सुबह से मेरा मन तो था कि मैं मैं स्टार्ट करूँ, बट आज जो है ना, मैं गई थी डॉक्टर के पास, पर डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोल दिया। वैसे कि नॉर्मली ज़्यादा कुछ वैसा नहीं बोला है, बट उन्होंने जो बोला है ना, उससे मुझे थोड़ा सा ना आज जो है ना, पूरे दिन मुझे घबराहट, डर, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे हॉस्पिटल के नाम से ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो रूटीन चेकअप के लिए गई थी, जैसा उन्होंने बुलाया था 30 या 31 को, और मैं गई हूँ 30 को। मैंने सोचा कि पहले मैं सोच रही थी कि 31 को चली जाती हूँ, फिर मैंने सोचा कि जाना तो 30 को भी जाना है, 31 को भी जाना है, तो क्यों ना मैं 30 को ही चली जाती हूँ। मतलब फिर मैं आज गई थी, तो सुबह ही गई थी, सुबह की अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। तो सुबह इसलिए रहता है क्योंकि भीड़ भी कम मिलती है, इसलिए। शाम को एक बार मैं गई भी थी, तो शाम को क्या था ना कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो शाम को इस वजह से मैं जाती नहीं हूँ, मैं फिर मॉर्निंग में ही जाती हूँ। तो मैंने वैसे तो सारा घर का काम हो गया है, बट क्या है ना कि सुबह सुबह गई थी तो जो रूम है वो थोड़ा सा बिखरा हुआ था। वहाँ से आई थी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा, क्योंकि वही जो डर सा रहता है ना, तो वही डर था इस वजह से जो था ना। मैंने रूम भी साफ़ नहीं किया, चादर भी ऐसी रखी हुई है, तो उसको मैं बाद में करूँगी। और आज जो है ना, लंच भी मैं बड़ी बहुत ज़्यादा लेट बना रही हूँ। हस्बैंड ने बोला कि पीले वाले पुलाव बना, और आपको लगता होगा ना कि यार मैं यही वाले कपड़े पहनती है। अभी नहाई है सुबह अच्छे से, मैंने इसको कपड़े पहनाए हैं। इसको पता नहीं क्या है, इसको यही कलर और इसमें जो रैबिट बना हुआ है ना, इसको बहुत पसंद है, तो वो कपड़े उतार के ये पहन लेती है। रात में भी पहन के सोती है और अब भी पहन लिया। और आज इसने मुझे कपड़े धोने नहीं दिए, कल धोऊंगी इसके ये वाली टी शर्ट। हाँ ना बेटा, बहुत ये ऐसे करती है, ये इसको जो चीज पसंद आ जाती है ना, फिर उसी को पहन के रखती है। वो तो शुक्र है जो हम इनर लेकर आए थे, उसने कंटिन्यू नहीं पहना। जब विशाल से गर्म इनर लेकर आए थे, नहीं तो वो भी पहन के रखती। उसको तो मैंने अभी उठा के उसको रख दिया है, ये लड्डू, और मैं लड्डू खा रही हूँ। ये जो मोतीचूर के लड्डू है ना, मेरी बहन आई थी और भाभी आई थी, तो वो लेकर आई थी, तो एक डब्बा खत्म हो चुका है। स्पेशली मेरे लिए लेकर आई थी वो, और इस टाइम पे मुझे मीठा पसंद नहीं आ रहा, बट मैंने सोचा कि चलो एक खा लेती हूँ। और वैसे मुझे चाय के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और जो कल खजूर मैंने आपको दिखाए थे ना, दिखाया था ना, वो खजूर कल मैंने पता नहीं बैठे बैठे कितने खा लिए वो मैंने, और सिर्फ थोड़े से बची हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने उनको बोल दिया है कि थोड़े से और ले आना, तो बाकी मैंने इस वाले डिब्बे में रख दिया, कितने से रह गए हैं। है थोड़े से मीठे, काफ़ी मीठे हैं। और मैं कल आपको बताने ही भूल गई थी, और जिसको डायबिटीज़ हो तो प्लीज़ वो अपने जो डॉक्टर है ना, उनसे सलाह लेकर फिर खाइए, क्योंकि काफ़ी मीठा होता है ना ये, इसलिए। ऐसे पता है, दोनों टैडी बाहर ले गई है, और दोनों के साथ लेटी हुई थी नीचे जमीन पर। मैं खा रही लड्डू। और आज मैं गई थी डॉक्टर के पास, सुबह गई थी। जब से डॉक्टर के पास से आई हूँ ना, मुझे थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है, इसी की वजह से ना जो है ना, मेरा जो रूम है ना वो मैंने साफ नहीं करा, अभी साफ कर आई हूँ। मतलब चादर वगैरह ऐसी पड़ी हुई थी, आते तो थोड़ा डर सा लगता है ना, इसलिए। तो इसलिए खाना वगैरह सब लेट हुआ है, आज खाना भी मेरा काफ़ी लेट बना है, तो वही पीले वाले चावल बनाए थे मैंने बनाए, खा लिए। नींद बहुत तेज़ आ रही है, सोच रही कि सो जाऊँ पहले थोड़ा सा, सुबह जल्दी उठ रही ना। और हाँ, आज छठ पूजा भी है, तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नीचे अगर जाना हुआ शाम को तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी फ्रेंड जो है ना वो बनाती है छठ, तो अगर जाना हुआ तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे नीचे तैयारियाँ चल रही हैं छठ पूजा की, अपने बालकनी से दिखाई दे रहा है वो, बहुत मीठे लग रहे हैं, हद से ज्यादा ही मीठे हैं। इतना है ये टपक रहा है, सच में इतना है, रस्सी टपक रहा है, और बहुत मीठे हैं। तो मैं थोड़ा सा लेट गई थी, वैसे मुझे नींद आ रही थी पर मैं सो नहीं पाई। मैंने सोचा कि चलो मैं सोती नहीं हूँ, लीव अपने जो रूम है उसको ही साफ़ कर देती हूँ, तो बेड शीट वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिया। तो शाम का ही टाइम है, और मेरी फ्रेंड का फ़ोन आज गया था, तो उसने बोला था कि रेडी रहना शाम को, तो मुझे 5 बजे करीब निकलना था, 5:15 बजे जाना था मुझे।
और वैसे मैं मुझे लगा था कि बाहर होगा मेन गेट पर हम मेन गेट पर नहीं जा रहे हैं, तो अपने ही टावर जो है ना अपने टावर पे ही जा रहे हैं, मतलब टेरेस पे जाएंगे, तो वहीं पर जो है छठ पूजा आज मनाई जा रही है, तो वहाँ पूजा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, और मैंने रेडी मतलब जो सूट मैंने निकाला है, क्योंकि यही सूट है जो मुझे थोड़ा सा ठीक आता है। आज तो मुझे दर्द ने बहुत ज़्यादा भी एक तो डरा भी दिया, वैसे भी मैं पहले से डरी हुई थी डॉक्टर की वजह से, तो आज फिर से मैं थोड़ा सा और डर गई थी, क्योंकि जब मैं गई थी ना ऊपर पूजा के लिए, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा ज़्यादा देर भी नहीं खड़ी हुई थी, मैं थोड़ी देर के लिए ही गई थी ऊपर टेरेस पर, तो इतनी तेज़ मेरे पेट में वहाँ पर ना धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, बट मैंने अपनी फ्रेंड को कुछ बताया नहीं था, मैंने कहा पूजा है तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे कि मैं, उसने मुझे बुलाया और फिर मैं थोड़ी देर भी ना खड़ी हूँ। तो ये जो आप रेड साड़ी में देख रहे हो ना, ये है मेरी फ्रेंड, तो ये लोग मतलब छठ पूजा मनाते हैं, तो और यहाँ पर हो रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इसलिए, तो यहाँ पर काफ़ी थोड़ी देर ही मैं खड़ी रही, और इतनी मतलब इतना ज़्यादा ही मुझे जो धीरे 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 दर्द शुरू हो रहा था, मुझे खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, फिर भी मैं हिम्मत करके खड़ी रही और किसी को कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि अच्छा लग रहा था देखने में, एक तो मौसम भी थोड़ा सा ठीक हो रहा था तो अच्छा लग रहा था, इस वजह से जो था ना मैं यहाँ पर खड़ी रही, और ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पाई, फिर भी मैं नीचे ही आ गई थी, क्योंकि दर्द मुझे हो रहा था और थोड़ा सा डर भी लग रहा था। फिर जैसे नीचे आई ना, मुझे भूख भी लग रही थी, तो हस्बैंड के लिए भी चाय बना ली, थोड़ी सी अपने लिए भी बनाई है मैंने, और हाँ मेरे पास एक कॉमेंट भी आया था कि आप चाय पी लेते हो, तो जी हाँ मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि चाय जो है ना मैं दूध वाली ही बनाती हूँ, तो थोड़ा सा जो है ना, मैंने वैसे डॉक्टर से पूछा भी था कि सारी चीज़ें जो है, तो उन्होंने बोला था कि आप पी लीजिए, बट कभी भी चाय जो है ना खाली पेट मत पीना, क्योंकि उससे गैस भी बनती है, तो हमेशा जब भी मैं चाय लेती हूँ थोड़ी सी, तो मैं उसके साथ कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ, और दूध वाली मैं चाय बनाती हूँ, वैसे नहीं बनाती हूँ, दूध में हल्का सा मैं चीनी इलायची और अदरक वगैरह जो है ना वो सब डालकर ही बनाती हूँ, तो वो मैं पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बार कमेंट आ चुके हैं ये वाले, तो सोचा कि चलो आज मैं फाइनली बता देती हूँ। कल जो था ना, मैं वीडियो को पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, एक्चुअली क्या था ना, कल मैं ऊपर गई थी टेरेस पे जो छठ पूजा के लिए मैं गई थी, तो वहाँ से आई, वहाँ पर मैं बैठी भी नहीं थी, मैं खड़ी थी, थोड़ी ज़्यादा देर भी नहीं, थोड़ी देर के लिए गई थी, वहाँ खड़ी हुई थी, पता नहीं क्या था, तो काफ़ी तेज़ मेरे पेट में दर्द हुआ, और मैं नीचे आई तो लगातार मेरे पेट में दर्द ही होता जा रहा था, ये भी नहीं था गैस का होता है तो पता चल जाता है, बट गैस का भी नहीं था, तो पेट के निचले हिस्से में काफ़ी तेज़ दर्द हुआ, थोड़ा सा वही होता है ना, डर सा रहता है, तो बैठी थोड़ी देर आराम किया, तो वीडियो जो था ना पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई, बड़ी मुश्किल से खाना बनाया, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा रात को थोड़ा सा आराम मिला, मैंने सोचा चलो बात कर लेती हूँ, नहीं हो पाया, फिर से दर्द शुरू हो गए मुझे, इसलिए तो आज 31st है, और मैंने सोचा कि चलो आपको बता देती हूँ, मैं कल डॉक्टर के पास भी गई थी, आपको बता ही नहीं पाई मैं, और अब भी मेरे दर्द ना धीरे धीरे ना हो रहा है, मुझे चलने में दिक्कत हो रही है, आज कल से ही हो रही है, चलती हूँ ना तेज़ दर्द होता है, उठ के जब जैसी खड़ी होती हूँ ना तब मुझे दर्द हो रहा है, तो आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है, कल से ही हो रही है वैसे तो, और चलो मैं फाइनली आपको बता देती हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला था, वैसे तो डॉक्टर ने सब ठीक है, सब नॉर्मली जैसे रूटीन चेकअप के लिए बुलाया था वैसे ही बुलाया था, उन्होंने फिर से मुझसे पूछा था कि दर्द के बारे में, तो मैंने बोला कि भाई मेरे कमर में ही रहता है और तो कहीं हो ही नहीं रहा है, तो उन्होंने बोला है कि फाइनली डॉक्टर ने बता दिया ड्यूरिंग डेट कि मुझे कब आना है, तो उन्होंने मुझे 9 तारीख को बुलाया है, सीधा 9 को, क्योंकि मुझे 2 डेट दी गई है, जैसे कि मैं आपको बताया है 9 नवंबर और 11 नवंबर, तो उन्होंने मुझे फाइनली बोल दिया कि आप 9 तारीख को आना और एडमिट हो जाना, क्योंकि दर्द अगर होते हैं बीच में तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो सीधा आप 9 तारीख को ही आना, मैंने सोचा आपको बता देती हूँ, तो कल से ना थोड़ी सी मुझे जैसे डॉक्टर ने बोला ना मुझे थोड़ी जब से एक तो घबराहट भी ज़्यादा होती है, तो ये डॉक्टर जब कुछ कहता है ना ये चीज़, अच्छा मैंने आपको बताया भी था कि हॉस्पिटल जाने से मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है, वैसे कोई वो नहीं है, क्योंकि आने के टाइम पर भी मुझे डर था और इस टाइम पर भी लगता ही है हॉस्पिटल का नाम सुनकर, तो वही उसकी वजह से और ज़्यादा घबराहट भी हो रही है, थोड़ा डर सा भी लग रहा है, तो कल मैंने मम्मी से ही बात की है, देखते हैं कब मैं अभी तो खैर नहीं बुला रही हूँ क्योंकि अभी इतना है नहीं, क्योंकि उनको भी घर पर काम है और काम भी होते हैं घर पर, इस वजह से जो है ना अभी मैं बुला नहीं रही हूँ,
एक ये वाला हफ्ता निकल जाए तो फिर मैं उनको बुला लूंगी घर यहाँ पर, बोला नहीं जा रहा क्योंकि ना दर्द जो है ना थोड़ा थोड़ा ना महसूस सा हो रहा है ना, तो थोड़ा सा मैं आराम करूँगी, आर ना स्कूल जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।